आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के तत्वावधान में आयोजित कक्षा दसवीं विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गत कालांश के अंदर हम सभी भैया बहनों ने तृतीय पाठ का अध्ययन किया था, उसके उपरांत पीडीएफ के रूप में आपको होमवर्क भी मिला था। जो भी होमवर्क मिला है वो हम अपने अभ्यास पुस्तिका में हल करेंगे। आज इस नए अध्याय को शुरू करने से पहले पाठ का नाम मैं पुनः बताना चाहूंगा। पाठ का नाम है चतुर्थ पाठ शिशु लालन। शिशु कहते हैं बच्चे का, बालक का, लालन मैंने लालन पालन। शिशु कहते हैं बच्चा, बालक, लालन मैंने लालन पालन। मैं सबसे पहले आदर्श वाचन करने वाला हूं। ये एकांकी के रूप में, नाटक के रूप में हमारे सामने एक पाठ का पाठ के रूप में दिया हुआ है, जो हम सबसे पहले मेरे द्वारा इसका आदर्श पाठ किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ कुंदन माला इति नामनो लिंगनाद विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य पंचमांका संपादनम कृत्वा संकलितो अस्ति। पूर्ण विराम। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किन्तु उभावपि सविनयम् तं निवारयतः। पूर्ण विराम। सिंहासनारूढः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। पूर्ण विराम। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम् विद्यते। पूर्ण विराम। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विशुषतेनोपदिश्यमानौ मान मार्गौ तापसौ कुशलवौ विदुषकः इत इत आर्य। पूर्ण विराम। कुशलवौ रामम् उपसेत्य प्रणम्य च अपि कुशलम् महाराजस्य। पूर्ण विराम। रामः युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव भवतो हो किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य वादनमेव न पुनरतिथि जनसमुचितस्य कंठास्थेस्य परिस्वज्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श। पूर्ण विराम। अब हम इस जो मेरे द्वारा आदर्श पाठ किया गया है उसके मैं एक एक शब्द का आपको हिंदी जुबान बताने वाला हूं। ध्यान करें, कुछ व्याकरण संबंधी बातें, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इनका भी साथ में विश्लेषण करने वाला हूं। हम पूर्ण मनोयोग से ध्यान देते हुए इस पाठ को समझेंगे। पाठ का मैं हिंदी जुबान बता रहा हूं। शिशु लालन नाम चौथा पाठ, शिशु का लालन, बालक का लालन पालन। प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत पाठ कुंदनमाला, कुंदनमाला इति अनेस नामनों का हो जाएगा नामना, नाम के दिंगनाद की रचितस्य, दिंगनाद, दिंगनाद एकांकी के रचनाकार का नाम है दिंगनाद के द्वारा भी रचितस्य रचे गए संस्कृतस्य संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य नाटक के ग्रंथ का के पंचम अंक का पांचवे अंक से संपादनम कृत्वा संपादन करके त्रि धातु और तत्वा प्रत्यय करके संकलितो अस्ति संधि विच्छेद संकलितः धन अस्ति दे संकलित किया गया है, लिया गया है, अस्ति यानी है। अत्र यहां अवय शब्द यहां नाटकान से संधि के नाटक धन से अ धन अ बराबर आ क ह सवर्ण दीर्घ सूत्र के अनुसार अ या अ के बाद अ आने पर समान स्वर के मिलने पर दीर्घ हो जाता है और आ हो गया दीर्घ संधि है। यहां नाटक के अंश में भाग में राम और राम स्वपुत्र अपने दोनों पुत्र 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 द्विवचन है। राम के दो पुत्र अपने दोनों पुत्रों लवकुशौ लवकुश को सिंहासन आरोहितुम सिंहासन पर आरोहितुम बैठाने के लिए आवसर रूह धातु आवसर रूह धातु तुमुन प्रत्यय बैठाने के लिए इच्छति यानी चाहते हैं बैठाना चाहते हैं किंतु लेकिन उभाव अपि संधि विच्छेद उभौ धन अपि
एचो आय वायावह सूत्र के अनुसार अयादि संधि है, आ आने के कारण औ का आ हो जाता है। अयादि संधि का उपयोग हुआ और संधि चल गया उभौ धन अपि, दोनों पुत्र लव और कुश भी सब इंद्रियों विनय के साथ विनम्रता के साथ तब मैंने उनको तम सर्वनाम शब्द पर तद पुल्लिंग द्वितीय भक्ति का हेड चल उनको राम को निवालयता रोकते हैं। सिंहासन आरूढ़ सिंहासन पर बैठे हुए आरूढ़ सिंहासन आरूढ़ का संधि चल सिंहासन धन आरूढ़ इसमें भी द्वितीय संधि है। सिंहासन में अ इधर आ और धन आ बराबर आ द्वितीय संधि। सिंहासन पर बैठे हुए रामः राम उभयोः दोनों लव और कुश की के रूप लावण्य रूप सौंदर्य की सुंदरता को लावण्य मैंने सुंदरता को रूप के सौंदर्य को दृष्टवा देखकर दृष्ट धातु और कृपा पड़ते देखकर मुग्ध मुग्ध सन्न होते हुए स्वक्रोड़े अपनी गोद में स्व ने अपनी क्रोड़े गोद में गृहणा ग्रहण करते अर्थात बिताते हैं। पाठे अश्विन अश्विन पाठे इस पाठ में इधम शत्रु सप्तमी भक्ति का एक चले अश्विन इस पाठे पाठ में शिशु वात्सल्य से बच्चे के वात्सल्य का मनोहारी मन को हरने वाला मन को हरण करने वाला मन को खुश करने वाला वर्णन मन वर्णन विद्य है। सियासन इसका राम नाटक चालू हो रहा है, याद करें यहां से नाटक का शुभारंभ होने जा रहा है। सियासन इसका सियासन पर राम इसका राम बैठे हुए हैं, अस्ति स्थ संति असि स्थ अधातु लग्नकार मध्य पुरुष द्विवचन सिंहासन पर राम और स्थ राम बैठे हुए हैं। तथा उसके बाद विदुष के नौपदिश्य मान मार्गो इसका संदिग्ध प्रतिशत और क्रिया है, ये क्रिया बाद में आती है। हम सबसे पहले तथा का हिंदी बात करेंगे, उसके बाद विदुष के नौ संदिग्ध विदुष के धन उद्देश्यमान मार्गो तथा उसके बाद विदुषक के द्वारा उद्देश्यमान दिखाए गए बताए गए मार्गो ने मार्ग पर तापसो ने तपस्वी कुश लव कुश और लव सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। उसके बाद विदुषक के द्वारा बताए गए या दिखाए गए मार्ग पर तपस्वी कुश और लव विदुषक कहते हैं मजाकिया, जिसको हम अंग्रेजी में जोकर कहते हैं। विदुषक मजाकिया कहते हैं इतो आर्य यहां से इतो इतो का मतलब होता है यहां से आर्य वाली श्रेष्ठ पुरुष मजाकिया कहता है विदुषक कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष यहां से उस लव बोलते हैं ब्राह्मण उपसृत्य राम के पास जाकर उपसर्ग श्री धातु और लेप करते राम के पास जाकर च और प्रणाम करके प्र उपसर्ग नम धातु और लेप करते प्रणाम करके कुशल राम के पास जाकर और प्रणाम करके अभी कुशलम महाराजस्य अभी क्या महाराजस्य कुशलम महाराज की कुशलता है लव और कुश कहते हैं अभी क्या महाराजस्य महाराज की कुशल मैंने कुशलता है रामः राम कहते युष्मद् दर्शनात् युष्मद् दर्शन में मिलेगा तुम्हारे दर्शन से तुम्हारे को देखने से तुम्हारे युष्मद् त्वत् युवाभ्याम युष्मद् शत्रु पंचमी विभक्ति बहुवचन तुम्हारे को देखने के कारण कुशलम ही कुशल के समान तुम्हारे को देखने के कारण कुशलम ही कुशल के समान ही है कुशलता के समान ही है। भक्तो हो किम भक्तो हो बाद में आएगा किम क्या वयम मत्र का संधि से वयम धनत्र किम क्या वयम यानी हम सब अत्र यानी यहां भक्तो हो भवत शत्रु तकारान पुल्ले षष्ठी विभक्ति द्विवचन सप्तमी विभक्ति द्विवचन
क्या हम सब यहाँ आप दोनों के कुशल प्रश्न से कुशल प्रश्न का के भाषण में पात्र ही है भाषण करने पात्र एवं ही है। क्या हम सब अत्र यहाँ भक्त हो आप दोनों के कुशल प्रश्न से कुशल प्रश्न के भाजनों में पात्र एवं ही है। पुनरतिथि जन समुचित सन्निचे पुनः अतिथि जन समुचित कंठ आश्लेष सन्निचे ध्यान रहे। पुनः अतिथि जन समुचित कंठ आश्लेष इसी प्रकार से इसका जी फिर अतिथि जन समुचित फिर अतिथि लोगों के कंठाश्लेष्य गले लगने का समुचित न योग्य नहीं हो फिर अतिथि लोगों के गले लगने के समुचित योग्य नहीं हो परिस्वज्य गले लगाकर गले लगाकर अहो हृदय ग्राही स्पर्श अरे हृदय ग्राही स्पर्श है हृदय को ग्रहण करने वाला स्पर्श है। आसनात् उपवेशयति सन्निच्छेदे आसनम आसन अर्धम उपवेशयति आसन अर्धम उपवेशयति अर्धम आसनम आधे आसन पर उपवेशयति बिठाते हैं आधे आसन पर बिठाते आसन अर्धम उपवेशयति बिठाते हैं उभौ दोनों लव अकुश राजासनम खलवेतत न युक्त मध्यासितो राजासनम राजा धनासनम दिख संधि राजा धनासनम जाप में आ अस्त में आ धन आ व्यावृत आ खलवेतत का संधि के खलु धनेतत इको यंची इका या उका वा खलु लू में उ और उ पहले वो में हो जाता है यह संधि खलु यानी वास्तव में एतत राजा आसनम यह राजा का आसन है यह राजा का आसन है न युक्त मध्यासितु संधि इच्छे अध्यासितु बैठने के लिए न युक्तम उचित नहीं है अध्यासितु संधि इच्छे ते युक्तम धन अधि धन आसितु अपना नियम कहता है कि अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र के अनुसार अधि उपसर्ग के बाद यदि आस धातु आती है तो उसके आगे द्वितीय पंक्ति लगती है तो अधि उपसर्ग आस धातु और तुमुन प्रत्यय से बन गया अध्यासितु बैठने के लिए न युक्तम उचित नहीं है। खलु यानी वास्तव में एतद यानी यह राजा आसन राजा का आसन है अध्यासितु न युक्तम बैठने के लिए न युक्तम उचित नहीं है बैठने के लिए उचित नहीं है। सव्यवधान राम राम कहते हैं राम सम राम राम सव्यवधान व्यवधान सही रुकावट के साथ चारित्र लोपाय चरित्र के लोप के लिए न नहीं है सव्यवधान रुकावट के साथ व्यवधान के साथ चारित्र चरित्र के लोपाय लोप के लिए न नहीं है। तस्मात् संदिग्ध तस्मात् धन अंग तद पुल्लिंग नपुंसक लिंग पंचमी विभक्ति एकवचन इसलिए अंक व्यवहितम अंक से यानी गोद गोद से बाधित व्यवहितम यानी बाधित तस्मात् इसलिए अंक व्यवहितम गोद से बाधित अध्यास्ताम सिंहासनम सिंहासन पर बैठिए तस्मात् इसलिए अंक व्यवहितम गोद से बाधित सिंहासनम अध्यास्ताम सिंहासन पर बैठिए अंकम उपवेशयति गोद में बिठाते हैं अंकम यानी संधि अंकम धन उपवेशयति गोद में बिठाते हैं कौन राम गोद में लव अकुश को बिठाते हैं उभौ दोनों लव अकुश अनिच्छा नाटयत अनिच्छा का इच्छा नहीं होने का नाटयत नाटक करते हैं कौन लव अकुश इच्छा नहीं होकर नाटयत नाटक करते राजन हे राजन अलम अति दाक्षिण्ये अति दाक्षिण्ये अति यानी अत्यधिक दाक्षिण्ये यानी उदारता अलम यानी मत करो अत्यधिक उदारता मत करो दोनों लव और कुछ कहते हैं राम को कि अत्यधिक उदारता अलम यानी मत करो अलम के योग में नकारात्मक में तृतीय पंक्ति का प्रयोग होता है
अत्यधिक उदारता मत करो, अलम यानी मत करो, राम अलम अतिशालीनतया, अतिशालीनतया अत्यधिक शालीनता भी, अलम यानी मत करो, अत्यधिक शालीनता भी मत करो। श्लोक है भक्ति शिशु जनो वयो अनुरोधा गुण महतामपि लालनीये प्रगति हिम करो अपि बाल भावा पशुपति मस्तक केतकत् सदत्व। इसका अन्वय करेंगे, सबसे पहले आएगा अन्वय में एक नंबर पे आएगा गुण महताम धन अपि, संधि विच्छेद है गुण महताम धन अपि, फिर आएगा वयः अनुरोधा, वयो अनुरोधा कस्मिंचित वयः अनुरोधा दो नंबर पे, एक नंबर पे गुण महताम अपि, दो पे वयः अनुरोधा, तीन पे लालनीय एक, चार पे शिशु जन, पांच पे भवती। इसी प्रकार से नीचे वाले अंतरे में बाल भावा हिम कर पशुपति मस्तक केतक सदत्व। अब अपन इसका अनुवाद करने जा रहे हैं। पहला शब्द आएगा गुण महताम अपि, गुणों से महताम अपि मान होते हुए भी, गुण महताम अपि का अनुवाद गुणों से महताम यानी महान होते हुए, अपि यानी भी गुणों से महान होते हुए, अर्थात गुणी लोगों के लिए हिंदी अनुवाद करेंगे गुणों से महान होते हुए भी, अर्थात गुणी होते हुए भी वयः अनुरोधा, वयः कहते आयु, उम्र के अनुरोध से, उम्र के कारण, छोटी आयु के कारण शिशु जन बालक, शिशु जन का अर्थ होता बालक, लालनीय एव लालन पालन के योग्य, लालनीय कहते लालन के योग्य एवं ही भवती यानी होता है, भवती यानी होता है। ध्यान करें पुनः से लिख रहा हूं, गुणों से महान होते हुए भी अर्थात गुणी लोगों के लिए आयु के अनुरोध से अर्थात छोटी आयु के कारण लालन करने के योग्य एवं ही शिशु जन यानी बालक भवती यानी होता है। ध्यान करें गुणों से महान होते हुए भी अर्थात गुणी लोगों के लिए वह अनुरोधार आयु के अनुरोध के कारण, आयु छोटी आयु के कारण शिशु जन बालक लालनीय लालन करने के योग्य, लालन पालन के योग्य केवल ही भवती यानी होता है। बाल भाव के कारण अर्थात बचपने के कारण हिमकर अपि चंद्रमा भी, हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है चंद्रमा भी, एक कर्म में आएगा बाल भाव, दो में हिमकर अपि पशुपति मस्तक केतक सदत्व व्रजति। बाल भाव के कारण अर्थात बचपने के कारण हिमकर अपि चंद्रमा भी पशुपति मस्तक, पशुपति कहते हैं शिव जी के मस्तक पर केतक सदत्व का हिंदी अर्थ होता है केतकी के, केतकी का मतलब जिसको केवड़ा कहते हैं, केवड़ी के फूलों, केवड़े के फूलों से निर्मित सदत्व यानी आभूषणों से, केतक कहते हैं केवड़े, केवड़े के फूलों से निर्मित सदत्व यानी आभूषणों से प्रजति प्रजति सुशोभित होता है। हिंदी अर्थ सुधर करने जा रहा हूं, अन्वय एक बार पुनः देखिए इसका, एक रूपये गुण माता अपि वयः अनुरोधात् शिशु जन लालनीय एव भवति बाल भावात् हिमकर अपि पशुपति मस्तक केतक सदत्व व्रजति। हिंदी अर्थ गुणों से महान होते हुए भी अर्थात गुणी लोगों के लिए आयु के कारण, आयु के अनुरोध के कारण बालक लालन करने के योग्य ही भवति यानी होता है। जिस प्रकार से बचपने के कारण बाल भाव के कारण चंद्रमा भी शिव जी के मस्तक पर केवड़े के फूलों से निर्मित आभूषणों से प्रजति यानी सुशोभित होता है, ये मेरे द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। इस हिंदी अनुवाद के उपरांत आगे की कक्षा के अंदर हम पुनः इसके आगे का जो भी नाटक है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस निमित्त कुछ आपको गृह कार्य भी मिलने वाला है, हम सभी भैया बहन ध्यान करें, गृह कार्य पीडीएफ के रूप में मिलेगा, हम अच्छी तरह से सुस्पष्ट सुंदर अक्षरों में अपने संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका में अपना गृह कार्य करेंगे। इन्हीं आकांक्षा और अभिलाषा के साथ आज का अपना ये ऑनलाइन क्लास संपन्न होती है। धन्यवाद।